जय शनिदेव। आज हम इस वीडियो में जानेंगे शनिदेव के जो साढ़े साथी आती है उसके बारे में, वह किस किस कारण से हो सकता है आपके ऊपर आए। इसके लिए एक पहले तो एक कथा है उसके बारे में हम जानते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो को पूरा देखना, आपको पूरी चीज़ पता चलेगी कि जो है शनिदेव के जो साढ़े साथी की आने की शुरुआत कैसे हुई। और शनिदेव जो है कभी किसी को अगर सीधी नज़र से देखते हैं तो उसी के ऊपर जो है शनि के साढ़े साथी चढ़ती है। और शनिदेव कभी जो है ज़्यादातर हमेशा जो है तिरछी नज़र ही देखते हैं, और सीधी नज़र जिसके ऊपर ही पड़ेगी उसके ऊपर ही शनि के साढ़े साथी चढ़ेगी। और जिसके ऊपर शनि के साढ़े साथी चढ़ेगी वह व्यक्ति कभी खुश नहीं रहेगा, वह हमेशा परेशान रहेगा जब तक उसकी शनि की साढ़े साथी उसके ऊपर चलती रहेगी। तो वीडियो पर बने रहें, चलिए शुरू करते हैं। एक कथा के अनुसार जो शनिदेव हैं, सूर्यपुत्र शनिदेव, यह जो है नौ ग्रहों में सबसे बलशाली और बलशाली माने जाते हैं, न्याय के देवता माने जाते हैं। और यह जो है बचपन से ही काफ़ी सुंदर देखने में और तेजस्वी देखने में दिखते थे। तो जो गंधर्व थे उनकी जो पुत्री थी कंकाली, उसके लिए जो है एक बार जो है रिश्ता लेकर आते हैं शनिदेव के लिए। तो कुछ समय बाद जो है उनका रिश्ता हो भी जाता है और जो है शनिदेव की जो है कंकाली के साथ शादी हो जाती है। तो जब सभी देवी देवता वहां पर हैं और ग्रह हैं, तो जो इंद्रदेव हैं वहां पर जो है अप्सराओं की सभा लगती है थी। तो जो कंकाली थी वहाँ पर जो है हर कोई जाता था, जितने ग्रह थे जितने भी देवता थे वहाँ पर जाते थे और अप्सराओं के नृत्य देखते थे। तो इसमें क्या होता था, शनिदेव भी जब शादी होगी उसके बाद भी कभी कभी जाते थे। तो जो उनकी पुत्री थी गंधर्व की कंकाली, या शनिदेव की पत्नी कह लो कंकाली, उनको जो है यह सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी कि वहाँ पर जाकर वो अप्सरा का जो है जो भी होता है वो अप्सरा को जाकर वहाँ पर देखें। तो अप्सरा का क्या होता था, जब अप्सरा वहाँ पर जाती थी, अप्सराएं जो हैं शनिदेव इतने जो है तेजस्वी थे उनको देखते ही वो मोहित हो जाती थी। तो एक दो बार जो है गंधर्व की जो पुत्री थी कंकाली या फिर शनिदेव की पत्नी थी उनको जो है शनिदेव को मना किया, आप मत जाइए वहाँ पर। तो क्या होता है कि जो शनिदेव होते हैं वह एक दो बार नहीं भी जाते हैं लेकिन फिर बीच में एक बार चले जाते हैं। तो इस बार जो है जो गंधर्व पुत्री कंकाली होती हैं वह काफ़ी जो है क्रोध में आती हैं और वह जो है शनिदेव को श्राप दे देती हैं कि आज के पश्चात सुंदरता को खोकर जो सुंदरता थी या तेजस्वी थे शनिदेव, वह जो है बदसूरत में हो जाए और जो आपकी दृष्टि हमेशा जो है नीचे की तरफ रहे, और आप अगर सीधी दृष्टि से किसी को भी देख तो उसके ऊपर साढ़े साथी का प्रभाव पड़ जाएगा। और साढ़े साथी का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ेगा वह चाहे देवी हो या देवता हो वह कभी भी खुश नहीं रहेगा और जो है हमेशा उसके ऊपर घोर समस्याएं आती रहेंगी। यह जो है यह बोलकर जो है जो शनि की पत्नी होती है कंकाली वह वहां से चली जाती हैं। उसके बाद जो शनिदेव होते हैं वो भी जो है नौ ग्रहों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, बलशाली माने जाते हैं, तो वह भी हार नहीं मानने वाले थे। तो उन्होंने जो है एक इसके लिए जो है एक उपाय सोचा और जो है वह जो है भगवान भोलेनाथ की जो है तपस्या करने में लग गए। तकरीबन जो है 1000 वर्षों की तपस्या करने के बाद जो है भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और जो है वह प्रकट होते हैं, बोलते हैं सूर्यपुत्र मांगो क्या मांगते हो। तब शनिदेव बोले हे सदाशिव शंभु हम पर कृपा करें, हमें दृष्टि से सीधे देखने पर वर दीजिए कि अगर मैं किसी को दृष्टि से सीधी दृष्टि से देखूं तो उसके ऊपर कोई साढ़े साथी का प्रभाव ना पड़े। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं जो आपकी पत्नी ने आपको जो श्राप दिया है उससे आप लगे तो रहेंगे, ये तो श्राप हट नहीं सकता क्योंकि आपकी पत्नी ने दिया है, लेकिन हाँ उसका उपाय यह है कि जिसके ऊपर भी आप सीधी नज़रों से देखेंगे, अगर वह व्यक्ति या देवी हो देवता हो कोई भी हो, अगर वह व्यक्ति जो है शनिवार को जो पीपल के पेड़ के ऊपर जो है जल तिल तेल या काला उड़द जो भी होता है यह सारी चीज़ें चढ़ाएगा, उसके ऊपर जो है आपका जो साढ़े साथी अगर वो आप उसके ऊपर देखते भी हो सीधी निगाहों से तो उसकी दृष्टि शुभ दृष्टि में बदल जाएगी। यह इतना ही वरदान देते हैं और उसके बाद जो है भोलेनाथ अंतर ध्यान हो जाते हैं। इसीलिए जो है शनिवार को जो है पीपल के पूजा की जाती है और शनिवार के जो साढ़े साथी होती है वह पीपल के पेड़ से ही बहुत ज़्यादा कटती है। यह हर एक पुराण या जो अग्नि पुराण है या शनिदेव की जो भी कथा है उसमें भी यह जानने को मिलता है। अब हम जानते हैं शनिदेव की जो साढ़े साथी होती है वह कैसे आती है और किस तरीके से जो है इसकी शुरुआत होती है। तो जो भारतीय ज्योतिष के अनुसार जो नौ ग्रह हैं उसमें जो है शनिदेव का जो ग्रह है वह 7.5 वर्ष का चलने वाला होता है। शनिदेव की कृपा अगर बनी रहती है तो
बहुत जल्दी भी हट जाता है, लेकिन अगर शनि की जो 7:30 आती है वह 7:30 तक रहती ही रहती है। ज्योतिष एवं खगोल शास्त्र के अनुसार जो है माना जाए सभी ग्रह जो है एक राशि दूसरे राशि में भ्रमण करते हैं। तो जो इस प्रकार से जब शनि ग्रह जो होता नियमानुसार एक ग्रह दूसरे ग्रह में जो है किसी इसी तरीके से एक दूसरे की राशि में भ्रमण करते रहते हैं, इस प्रकार जब शनि ग्रह जो है 12वीं राशि में प्रवेश करता है तो उसे जो है विशेष राशि से अलग दो राशि से गुजरते हुए अपना अपना समय चक्र निर्धारित करता है। शनि की जो मंथरा गति होती है उस कारण से इनके चलते हुए जो है एक एक राशि जो है 2.5 वर्ष की यात्रा करते हैं। इस प्रकार जो है वर्तमान में एक पहले और दूसरा जो है अगला जो प्रभाव पड़ता है उसके हिसाब से देखा जाए तो यह 3 गुना आ जाता है, अर्थात 7.5 वर्ष का यह पूरा काल का अवधि बनता है। तो 7.5 वर्ष का पूरा जो है यह भारतीय ज्योतिष के अनुसार 7.5 ही मानी जाती है। कुछ समय ऐसे भी होते हैं कि 7.5 जब कोई व्यक्ति जन्म ले रहा होता है उस समय भी जो है शनि की 7.5 जब वह जन्म लेता है उसी समय शुरू हो जाती है। एक प्राचीन मान्यता है कि प्राचीन मान्यता के अनुसार जिस दिन शनि किसी विशेष राशि में होता है उस दिन शनि की 7.5 शुरू हो जाती है। एक अन्य मान्यता यह भी है शनि जो है जन्म राशि के बाद भी दूसरी राशियों में प्रवेश करता है। तो शनि की जो 7.5 की दशा आरंभ होती है अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता है और एक स्थान से दूसरे स्थान को पार करता है या उसी स्थान पर कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पर एक स्थान को दूसरे स्थान को पार कर दिया जाता है तब उस व्यक्ति को इस शनि की जो 7.5 होती है उससे मुक्ति मिल जाती है। लेकिन हालांकि यह हमेशा नहीं होता है, इसके लिए जो शनि की जो 7.5 होती है एक गणितीय विधि होती है उसके लिए पूरा जो है शांत करवाना पड़ता है। आप सभी लोगों को पता है शनिदेव की पूजा होती है और शनि की 7.5 जो शांत होती है उसके लिए हवन पूजा यज्ञ वगैरह सारे कुछ करनी पड़ती है, जिसमें चंद्रमा की पूजा होती है साथ में। वो सारी चीज़ करने के बाद जो है 7.5 समाप्त हो जाती है। एक मान्यता के अनुसार कुछ व्यक्तियों को जो 7.5 होती है वह आरंभ होने वाली होती है उससे पहले जो है संकेत मिल जाता है। जैसे किसी के घर में जो है शनि देव की अगर 7.5 शुरू होने वाली होती है तो कुछ बड़ा हो जाता है, जैसे कुछ उसके ऊपर विपदा आ जाए या फिर घोर समस्या आ जाए तो यह भी हो जाती है। अगर उसको संकेत मिल जाता है, अगर वह सचेत हो जाता है तो वह अपनी अवधि से पहले ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि अगर वह इन सब चीज़ों को जो भी होता है शनिदेव की पूजा पाठ जो भी करने लगता है तो वह शांत हो जाता है। एक मान्यता के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को यह पता नहीं चलता है कि शनि का प्रभाव उसके ऊपर जो है दिखाई नहीं दे रहा है या उसके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है वह कुछ समय बाद उसके ऊपर पता चलता है, लेकिन अगर वह व्यक्ति सचेत नहीं होता तो उसके लिए बहुत सारी घोर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर उस व्यक्ति को पता चल जाए कि शनि की 7.5 चल रही है तो वह पहले ही अगर सचेत हो जाए तो वह जो है उससे जो है बच सकता है और शनि की 7.5 से जो भी पूजा पाठ करके उससे बचकर जो है शनि की 7.5 शांत करवा सकता है। एक और मान्यता के अनुसार शनि की जो 7.5 होती है वह मुख्यतः जो है 3 हिस्सों में आती है। हर एक हिस्सा जो है लगभग जो है 2 वर्ष और 6 माह का होता है। अगर तथ्यों पर ध्यान दें तो शनि का मकसद जो है व्यक्ति को जीवन भर के लिए सीख देना होता है, इसलिए 2 वर्ष और 6 माह के लिए शनि के जो है अगर शनिदेव की जो 7.5 चढ़ती है तो व्यक्ति को जो है मानसिक रूप से परेशान करता है। दूसरे हिस्से में एक बार अगर 2 साल 6 महीने आए तो उसमें जो है शनि का जो मेन मकसद होता है वह उस व्यक्ति को जो है परेशान करना होता है, ठीक है। और दूसरा जो हिस्सा जो है 2 साल और 6 महीने का जो शुरू होता है उसमें जो है आर्थिक शारीरिक विश्वास इत्यादि रूप से जो है क्षतिग्रस्त होता है या कोई भी आपके घर में बहुत सारी समस्याएं या बाधाएं जो है आनी शुरू हो जाती है। तीसरे हिस्से की बात की जाए जो है आखिरी हिस्से में जो है शनि महाराज अपने जो आपका जो कारण होता है या जो अपने कारण जो नुकसान होता है उसकी भरपाई करवाते हैं। तो यह यही वह समय होता है जो शनिदेव को जो है यह मान्यता हो जाती है कि आपको पूजा पाठ शनिदेव का करना होती है और वह जो है बिल्कुल अंत वाला जो हिस्सा होता है तीसरे में ही व्यक्ति को उस सत्य का ज्ञान होता है, अगर जिसको नहीं पता चल पाता है कि हमारे ऊपर जो है शनि की 7.5 चल रही थी। अगर शनि की 7.5 आने वाली होती है तो आपको उससे पहले ही जो है कुछ संकेत मिल जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो है कुछ विशेष प्रकार की घटनाएं होती हैं जिनमें शनि की 7.5 चालू होने के संकेत मिलते हुए दिखाई देते हैं। इस दौरान कुछ असामान्य घटनाएं जो नहीं होना होता है वैसी कुछ घटनाएं हो जाती हैं, जिससे आपको यह चीज़ पहले सचेत हो जाना चाहिए कि कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में हमें मान लेना चाहिए कि अब कुछ हमें पहले ही सचेत हो जाना चाहिए और ज्योतिषाचार्य या फिर किसी पंडित से जाकर इससे बचने हेतु कोई उपाय जो है पहले ही पता कर लेना चाहिए।
और अगर आप शनि देव की जो है ये साढ़े साथी से बचना चाहते हैं तो आप पूजा जब करने जा रहे हैं तो कुछ मुख्यतः चीज़ें होती हैं, इसका ध्यान रखें। वैसे शनि देव की जो साढ़े साथी, उससे बचने के लिए भगवान भोलेनाथ की भी उपासना आप कर सकते हैं, शिवलिंग की आप हमेशा पूजा करें, और पीपल का जो वृक्ष होता है वह शनिदेव के लिए सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है, उस पर आप जो है जल चढ़ाइए, तेल चढ़ाइए। इसके अलावा जैसे कि कुछ नक्षत्र होते हैं, अनुराधा नक्षत्र हो गई या अमावस्या हो गया, यहाँ पर जो है शनिदेव का योग बनता है, तो उस दिन जो है कोशिश करिए जो है तेल, गुड़ और जो काला उड़द होता है, काला तिल होता है, शनिदेव को जो चढ़ते हैं उनमें लोहे का बर्तन हो गया, काला कपड़ा हो गया, सरसों का तेल, जो भी मतलब काला चीज़ होता है, काला सुरमा हो गया, काले चने, काला तेल, उड़द की दाल जो सबूत होती है काले वाली वो हुए, ये सारी चीज़ें अगर शनिदेव को जो है चढ़ाते हैं और दान करते हैं तो शनि जो है बहुत जल्दी प्रसन्नता होते हैं, और उससे जो आपकी साढ़े साथी होती है, शनिदेव का जो प्रकोप होता है उससे आप बहुत आसानी से बच सकते हैं। और किसी एक मान्यता के अनुसार ये भी है कि अगर महामृत्युंजय जाप भी करवाया जाता है तो शनि का प्रकोप उससे भी बहुत ज़्यादा कम होता है। एक और कथा के अनुसार माना जाता है जो शनि की जब साढ़े साथी होती है वह शुभ भी होती है। शनि की ढैया और साढ़े साथी का प्रायः जो है अशुभ व हानिकारक ही माना जाता है। विद्वानों के अनुसार माना जाए तो शनि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर जो है अगर शनि की साढ़े साथी या ढैया चल रही होती है तो वह काफ़ी कष्टकारी होता है। लेकिन अगर एक और हिसाब से बात किया जाए तो कुछ लोग पहले से ही अगर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, अगर उनके ऊपर शनि की साढ़े साथी आती है तो उन्हें जैसे लाभ, सम्मान, वैभव की प्राप्ति भी होती है। तो अगर कोई व्यक्ति पहले से बहुत ज़्यादा परेशान है और उसके ऊपर शनि की अगर साढ़े साथी चलनी शुरू हो जाती है उसी बीच में, तो वह व्यक्ति जो है जब दोनों समस्याएँ उसको जो है आपस में टकराती हैं तो ऐसा भी है कि जो है किसी व्यक्ति को जो है लाभ भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है लेकिन कुछ ही समय ऐसा हो सकता है। शनि की साढ़े साथी चल रही है आपके ऊपर या नहीं चल रही है, यह जानने के लिए आपके जन्म कुंडली के आधार पर जो है चंद्रमा को एक स्थिति का आकलन बताने के लिए रखा जाता है, उस वहाँ से जो है आप पता कर सकते हैं कि शनि की साढ़े साथी का प्रकोप आपके ऊपर है या नहीं। इसी तरीके से लगाया जाए जो लग्न, वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर व कुंभ है, यहाँ पर जो है शनि जो है हानि बहुत कम पहुंचाते हैं, लेकिन इनके ऊपर जो है शनि जो इसमें जो है मकर और कुंभ जो है इसके ऊपर जो है शनि का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। तो यह भी एक मानने वाली बात है कि जो है कुछ समय जो है आपको जो है हानि भी पहुंचाएंगे और कुछ समय आपको लाभ भी हो सकता है। कुंडली के अनुसार जो है चंद्र कुंडली है या कुंडली जो एक सामान्य कुंडली कह लो, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो कुंडली कई बार जो है आपकी शुभकारक भी होती है, कई बार जो है कष्टकारी भी होती है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है जो शनि की साढ़े साथी होती है यह किसके ऊपर आ जाए, यह किसी का कोई पता नहीं होता है। तो दोस्तों यह थी पूरी जो है शनि की जो साढ़े साथी के ऊपर पूरी वीडियो, कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।